लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बचा है। मई के आखिरी में चुनाव के नतीजों का ऐलान हो सकता है। वहीं आम चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आया है। सर्वे के आंकड़ों ने राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। इंडिया टुडे और सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन नाम से एक सर्वे किया है। इस सर्वे में जानने की कोशिश की गई कि अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में साफ हो गया है कि देश में एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है। वहीं कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है कि पिछले 10 सालों में हुए दो लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। सर्वे के आंकड़ों की माने तो बीजेपी अकेले दम पर 304 सीटें ला रही है, जो कि पिछले आम चुनाव की तुलना में एक सीट अधिक है। वहीं कांग्रेस को इस बार 71 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 168 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो इसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में पार्टी सिर्फ 44 पर ही सिमट कर रह गई थी। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो अकेले एनडीए को 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 166 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 42 सीटें जा सकती हैं। राज्यों से भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 80 सीटों में से 72 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 और अन्य को 7 मिलने की उम्मीद है। बिहार में एनडीए को 32, इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं झारखंड में बीजेपी को 12 और कांग्रेस अलायंस को 2 सीटें मिल सकती हैं। ममता बनर्जी का गढ़ पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में बीजेपी को 19, टीएमसी को 22 और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी 27 सीटें जीत सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10, कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान में भाजपा बड़ी जीत के साथ राज्य की 25 सीटें जीत रही है। गुजरात के भी सभी 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है। गोवा की बात करें तो 1 एनडीए और 1 इंडिया अलायंस को सीट मिल सकती है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस एनडीए पर भारी पड़ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए को 22 और इंडिया अलायंस को 26 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में सभी सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रह सकती है। हरियाणा में एनडीए को 8 और इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सभी 4 सीटें बीजेपी जीत रही है। साउथ के राज्यों में इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, तो साउथ के राज्यों से इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है। इंडिया गठबंधन केरल की सभी 20 सीटें जीत सकती हैं। तमिलनाडु में सभी 39 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने की उम्मीद है। सर्वे के अनुसार तेलंगाना में एनडीए 3 और इंडिया अलायंस 10 सीटें जीत रही है। आंध्र प्रदेश में अन्य के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान है। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन यहां बीजेपी 24 और 4 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। ये आंकड़े कितना सही होते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि सर्वे के आंकड़े ने देश में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप हिट टीवी को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।